क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से सुन लीजिए एक्सरसाइज 9.3 के लिए। इफ द फोर्थ टेंथ एंड 16th टर्म ऑफ अ जीपी आर एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी। ठीक है, तो कौन कौन सा टर्म है दिया हुआ, फोर्थ टर्म दिया हुआ है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है ना, यानी ए आर की पावर 3। ठीक है, और ये एक्स दे दिया, नहीं ये फोर्थ टर्म यही ना हुआ है, उसके बाद दे रहा है टेंथ टर्म यानी ए आर की पावर 9, और ये वाई दे रहा है और उसके बाद फिर ये उसके बाद 16th टर्म है, तो यानी कि ए आर की पावर 15, यही ना, और इसको बोल दे रहा है जेड। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये इक्वेशन, अब याद रखिए, पहले समझ लीजिए, हम लोग जानते हैं कि एक्स वाई जेड, अगर एक्स वाई जेड अगर जीपी में, इसका मतलब कि वाई बटे एक्स बराबर होना चाहिए जेड बटे वाई के, होना चाहिए ना, तो बस यही तो हमको कर देना है कि y बटे x देख लेना है, यानी कि दो में एक से भाग देने पर ऑन डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, देखिए जब कर रहे हैं इसको ऊपर है इसको नीचे, तो a से a कट गया है, और r की पावर 9 बटे r की पावर 3 यानी r की पावर 6 बराबर y बटे x ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, देखिए इसको ऊपर इसको नीचे, तो 15, तो a से a कट गया, अब 15 बटे 9 हो गया ना, a की पावर 15 बटे a की पावर 9, तो पावर घटता है, तो 15 में से 9 घटेगा 6, r की पावर 6 बराबर z बटे y। अब देखिए यही चीज आगे कि नहीं आ गया है, देखिए तो दोनों ये है, इसको हम लोग बोल देते हैं, इसको फोर्थ बोल देते हैं, इसको फिफ्थ बोल देते हैं, नहीं फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, मैंने दोनों का तुलना करते क्योंकि दोनों तो r की पावर 6 के बराबर में है, यानी दोनों बराबर में है, तो y अपॉन x इज इक्वल टू z अपॉन y, तो हम कह सकते हैं हेंस, अतः x y एंड z आर इन जीपी हो गया, नहीं इसको नोट कर लिया जाए,